graduates, how is the josh? Girls versus boys. Girls, how is the josh? And boys? अरे यार थोड़ा बॉयज जीत रहे हैं. गर्ल्स हाउ इज द जोश? या जीत गए गर्ल्स जीत गए. ठीक है तो देखो प्रोफेसर आहूजा ने बहुत सारा ज्ञान पहले दे दिया और मेरे पास उनसे बहुत कम है तो ज्ञान तो ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ. ठीक है लेकिन कोशिश करता हूँ कि एक आध चीज़ मेरा एक्सपीरियंस से जो काम की है वो बताता हूँ. और लेकिन दो आईटी डायरेक्टर्स के बाद बोलना बहुत मुश्किल काम है तो मैं कोशिश करता हूँ. तो डियर ग्रेजुएट्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आईआईटी मंडी फ्रेटर्निटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, विद इमेंस जॉय एंड प्राइड आई कन्वे माय हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल ऑन द स्पीशियस ओकेजन ऑफ 12th कन्वोकेशन एट आईआईटी मंडी. आई एम ऑनर्ड टू बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द सेरेमनी ऑफ दिस एमिनेंट इंस्टीट्यूट वेयर अप्रॉक्सीमेटली 636 स्टूडेंट्स आर गेटिंग अवार्डेड इन वेरियस डिग्री प्रोग्राम्स. I congratulate all the students for their success and wish them a healthy, happy and meaningful life. See, please note, healthy, happy and meaningful life. That's what I tell my children. First priority, health. Second priority, happiness. Third priority, in your life, you know, meaning has to be there. Like, it's not that just I get a package, how much package mil gaya, usse kaam nahi chalega. Aap dekho, kuch na kuch time baad, you will realize ki money you will earn, definitely you will earn, you are IT graduate, you will earn more than you need. And a person who earns more than he spends, I consider him to be rich. But then what will give you really good happiness is the meaningful life. Ek jo happiness aati hai positive psychology mein aur uska ek father hai Seligman, jo Seligman is called father of happiness. To unhone ek Parma model diya tha. Parma P for positive emotions. To jo josh tha positive emotions wala, matlab singing, dancing, फेस्टिवल्स. पी इज़ फॉर दैट. ई इज़ फॉर एंगेजमेंट. काम में लगे रहो. कल जैसे मैं पहुँचा ट्रैवल करके दिल्ली से तो किसी ने मुझसे पूछा आप आराम करेंगे. मैंने कहा आराम क्यों करेंगे भाई, शाम तक काम करेंगे फिर बाद में आराम करेंगे सोने के लिए. और आ रहे रिलेशनशिप्स. अपनी रिलेशनशिप जैसे कि प्रोफेसर आहूजा सर ने बोला कि अपनी रिलेशनशिप सबसे पहले पेरेंट्स, गुरुज, इंस्टीट्यूट के साथ और अपने फैमिली के साथ बढ़िया बना के रखो. एम है मीनिंग इन लाइफ और ए है अचीवमेंट. तो मीनिंग इन लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सोचो कुछ ना कुछ कि हम जो काम करने वाले हैं उसमें क्या बढ़िया निकल के आएगा देश के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए. ठीक है तो इसके बाद मैं बोलूँगा कि फ्रॉम माय इंटरेक्शंस विद फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी मंडी, सी आई हैव टॉट अ कोर्स हियर, दैट कोर्स वॉज हैप्पी फॉर एवर कॉन्सेप्ट्स. आई हैव लर्न दैट देयर इज ग्रेट एम्फेसिस एंड फैसिलिटेशन फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. Sir, you told that you were offered directorship of oldest IIT, that is IIT Kharagpur. I have BTech from there. That is the difference between IIT Kharagpur and other IITs. I am MTech from Kanpur and PhD from Delhi. Lekin all-round development ki jo culture hai, wo IIT Kharagpur mein sabse zyada hai. Jo josh hai, sabse zyada tha. Aur wo cheez ab main IIT Mandi mein dekh raha hu, bahut achhi baat hai. I have learned that there is great emphasis and facilitation for all-round development of students. दे मस्ट कंटिन्यू देर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स. देखो सेवन स्टेप्स हैं. स्पोर्ट्स, कल्चरल डोमेन, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स, बींग सिंसियर टुवर्ड्स योर प्रोफेशन एंड फाइंड हैप्पीनेस इन सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस. जितना अचीव आज कर लिया उसमें तो सेटिस्फाई होकर खुश हो ही जाओ, आगे और ज़्यादा अचीव करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज बन गए. मान लो किसी को 10 लाख का पैकेज मिला, किसी और को 50 लाख का पैकेज मिला तुम्हारे फ्रेंड को, तो उसके 50 लाख के पैकेज का भी सेलिब्रेट करो. हो सकता है वो भी किसी काम आ जाए, लेकिन जो तुम्हें आज मिला उसमें भी सेटिस्फाई रहो. आगे कोई लिमिट नहीं है. कोई हम किसी चीज़ से गवर्न नहीं होते पास्ट वाली से. जितनी हम आगे मेहनत करेंगे एंथुजियाज्म होगा, देर इज़ नो लिमिट फॉर अवर अचीवमेंट. ठीक है तो सेटिस्फैक्शन भी ड्रॉ करो. और जो ब्लेस के बारे में आज ज़्यादा नहीं बता रहा, मेडिटेशन के बारे में किसी और दिन बताएंगे, लेकिन ब्लेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ में हैप्पी फॉर एवर रहने के लिए. ठीक है. Now, gaining high emotional strength and high level of motivation should also be an objective of their study program and professional trainings. Physical fitness is as important as intelligence level in achieving goals in a project. Parents ko hi bata raha hu, baby aapne Pune wala case suna hoga, 25 years old mein ek chartered accountant ke sath kuch ho gaya. 35-40 ki age mein kafi kuch ho raha tha professionals ke sath, but we were not taking it seriously. Now when it is at 25,
तो सब लोग बहुत वरीड हो गए. डिफरेंस क्या है, इमोशनल स्ट्रेंथ भी हमें बढ़ानी है. और एक डिफरेंस और भी है, मैनेजमेंट को भी कंपैशनेट होना है. और इमोशनल स्ट्रेंथ मैं एक बात आ रहा हूँ, आप लोग अगर देखोगे जो अचीवर्स जो टॉप पे पहुँचते हैं वो सारे वो नहीं है जो मोस्ट इंटेलिजेंट है. उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत हाई है, जिसकी वजह से जब उन्हें फेलियर्स मिलती हैं दे आर एबल टू हैंडल द फेलियर्स वेरी इफेक्टिवली. तो मेक श्योर दैट योर इमोशनल स्ट्रेंथ रिमेन्स हाई ऑलवेज. फेलियर्स वगैरह तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, कोई फेलियर से आज तक कोई परेशान नहीं होता. हमारे कलाम साहब का तो गाना था, एक फेलियर दूसरे लर्निंग का चांसेस. का मतलब ये नहीं है हम फेलियर इन्वाइट करेंगे, लेकिन अगर मिल जाए तो उसे भी एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. तो इसलिए अगर फेलियर इन्वाइट नहीं करो, अगर आ जाए तो सोचो इसमें भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा. ठीक है. आई मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल के जी एस ढिल्लो, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा डायरेक्टर, ऑल द फैकल्टी एंड स्टाफ फॉर ब्रिंगिंग IIT मंडी टू सच अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट. वी हैव माइल्स टू गो बट हैव द पोटेंशियल टू बिकम लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड इन मैनी एरियाज एंड नंबर वन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. जी प्रोफेसर आहूजा ने बोल दिया है कि जो न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें मोल्ड करना आसान है. तो आपको मोल्ड करने के लिए एक नहीं दो दो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, तो इसको मोल्ड करना आसान है. एंड आई एम श्योर कि जैसे कि जो यंग बच्चा रेस जीत जाता है, ऐसी IIT मंडी एक दिन रेस जीत जाएगी. इसको मोल्ड करना आसान है. आजकल जो मेरा पोर्टफोलियो है, तो हमारे पास गवर्नमेंट का एक प्रेशर है कि हम एकेडमिया से इंटरेक्शन बहुत बढ़ाएं. तो अभी हमने एक कमेटी का, मैं भी मेंबर था, रिफॉर्म चल रहा है DRDO में. सो वी गेव अ दिस थिंग इन आवर रिपोर्ट दैट वी विल बी गोइंग आवर सेल्व टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डूइंग अ वेरी गुड आउटरीच प्रोग्राम. एंड आई विजिटेड सो मेनी IITs, IIT भुवनेश्वर, IIT जोधपुर, IIT मंडी, फिर अभी IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली. मैं एक बात आ रहा हूँ कि जो न्यू IITs हैं उनके साथ एक अलग एडवांटेज है, उनका यंग फैकल्टी मेम्बर्स हैं, यंग फैकल्टी मेम्बर्स हैं. और उनके जैसे कि डायरेक्टर ने बोला कि उनके डायरेक्टर के लिए पॉसिबल है कि उनको नए ढंग से या किसी और ढंग से मोल्ड करें. तो ये मत सोचना कि नई IIT, वैसी भी नई नहीं है. 15 साल की एज तो बहुत बढ़िया होती है. 15 साल की एज में तो सर एनर्जी फुल होती है, फुल. 15 साल के बच्चे को दौड़ते हुए देखो, दौड़ेगा भागेगा, अभी तक शांत भी नहीं बैठा होता. अगर यहाँ सारे बच्चे 15 साल के होते तो शायद हमारे लिए स्पीच देना मुश्किल हो जाता. तो 15 साल का बच्चा तो बहुत एनर्जेटिक होता है. तो आप जो है वो यंग के बजाय मैं बोलूँगा एनर्जेटिक IIT हो, आगे बढ़ जाओ. 3 जगह मेरा पढ़ने का एक्सपीरियंस है, 4th जगह पढ़ाने का एक्सपीरियंस था. अभी मैं IIT बॉम्बे गया तो उन्होंने उससे पूछा एजुकेशन कहाँ से, मैंने बताया 3 अलग अलग IIT से. तो उन्होंने बोला IIT बॉम्बे क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे आके पढ़ा दो. तो मैं अबे एक एक वीक का कोर्स कहीं कहीं कराने जा रहा हूँ. लेकिन मैं देख रहा हूँ IIT मंडी में एक अलग अट्रैक्शन है. यहाँ पे इस पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी. प्रोफेसर बेहरा ने क्या मैग्नेट लगाई हुई है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आने का मेरा डेफिनेटली बहुत मन करा जब भी मैं यहाँ पे आया. दिस इज माई 3rd visit. अब नाउ मैंने बोल तो दिया कि नंबर वन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, हवा में नहीं बोल रहा हूँ. ये भी बोल दिया कि कुछ एरिया में वर्ल्ड के लीडर बनोगे, ये भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ. रीजन सुनो. विद इट्स यूनिक एडवांटेज ऑफ हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स, मैनेजमेंट स्कूल, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड सराउंडिंग हिल्स, आई एम श्योर IIT मंडी विल बिकम द लीडिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इन एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी लीडरशिप प्रोग्राम्स, इनोवेटिव डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, स्पिरिचुअलिटी बैक्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी बैक्ड मैनेजमेंट, वैल्यू बेस्ड इंजीनियरिंग एंड सो ऑन. मैं आपको वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ जिसमें आप वर्ल्ड लीडर बन सकते हो. और वो आइडेंटिफाई अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ. बाहर भी काफ़ी जगह घूमाऊँ, अलग अलग पोर्टफोलियो संभाले, और इंडिया की फ़ौज के साथ भी बहुत इंटरेक्ट किया. और 11 साल एडवाइज़र रहा एयरफोर्स चीफ का, और बाहर भी एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी कंडक्ट की. क्या होता है कि जो आपके सराउंडिंग हिल्स हैं, तो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं कि हिल्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर इंजेक्ट करने का एक सिस्टम होता है, अपने आप ही नेचुरली बिना किसी एफर्ट के. तो बहुत कुछ आपको हिल से बिना किसी एफर्ट के मिल रहा है. प्लस जो एक इंडियन नॉलेज सिस्टम डिपार्टमेंट जो चालू किया है यहाँ पे, वो देखो इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ाने के लिए. इंडियन नॉलेज सिस्टम वर्ल्ड का, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि हम बेस्ट हैं, दूसरे काम है ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन सच में बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट है.
एग्जाम्पल देखो, एक बार इंडिया टुडे मैगजीन में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था कि किस चीज़ में हम वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उसमें देखा कि वो इतने बड़े इफेक्टिव गुरुज पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और वो लोग लीडर बन पाए हैं बहुत से, जैसे पहले इवन महेश योगी थे, अब US में ही 5 करोड़ लोग योगा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज सिस्टम में कुछ ऐसा है जो इमोशनल स्ट्रेंथ की जो मैं बात बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा चाहिए, वो हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जो हेल्थ है और इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ये दोनों आपकी एडेड एडवांटेज हो गई, प्लस आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी आपके साथ है जिसमें MBA प्रोग्राम डिग्रीज अवार्ड हो गई, और आपके पास सारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप डिपार्टमेंट के बजाय उनको स्कूल कह रहे हो, और उसमें भी आपका कुछ इनोवेटिव आइडिया है। तो टू बिकम वर्ल्ड लीडर डेफिनेटली आपके पास चांस है। द इंस्टीट्यूट, अब मैं कह रहा हूँ कि नंबर वन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कैसे बने, सच बात यह कि आज की डेट में गवर्नमेंट की सारी फंडिंग एजेंसी पे, और DRDO भी फंडिंग करता है, लेकिन पहले कभी इतना एम्फेसिस नहीं था एकेडमी या फंडिंग के लिए जितना अब है। तो सारी फंडिंग एजेंसीज पे इस टाइम प्रेशर है कि हम फंड करें एकेडमियों को ज़बरदस्त। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप यूज़ करते हो, तो इंस्टीट्यूट मस्ट कोलाबरेट मोर एंड मोर विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया लाइक DRDO, ISRO, DST, CSIR, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। द इंस्टीट्यूट शुड ऑल्सो इंटरेक्ट विद वेरियस सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज एंड डेवलप स्पेशलाइज सिस्टम्स फॉर दैम विच विल नॉट ओनली सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो टेक दैम टू द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जो मैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोला, उसके प्राइम मिनिस्टर खुद ही उसको मेंटर कर रहे हैं। तो आप ये देखो, ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी जो कि अब अवेलेबल है। द इंस्टीट्यूट मस्ट इनोवेट फॉर ब्रिंगिंग अ शिफ्ट फ्रॉम, सर डायरेक्टर साहब आप दोनों के लिए मेरा एक सजेशन है, मस्ट फॉर ब्रिंगिंग अ शिफ्ट फ्रॉम मेमोराइजिंग एंड गिविंग एग्जाम बेस्ड लर्निंग टू वर्क एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। मतलब कई बार मैं देखता हूँ कि हम सोचते कि एग्ज़ाम ही तो पास करना है मेरा एम, क्लास में आओ ना हो, इन्वॉल्व हो ना हो, हम तो किताब पढ़ेंगे, बहुत इंटेलिजेंट है, सब लोग इंटेलिजेंट है, आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, एग्ज़ाम पास किया और हमने ग्रेड ले लिया, उसके बाद भूल गए, हमें तो ग्रेड लेना था, ख़त्म। लेकिन वो चीज़ जॉब में बहुत ज़्यादा टाइम तक काम नहीं आने वाली है। हो सकता है पहले इंटरव्यू में CGPA थोड़ा सा काम हो जाए, लेकिन उसके बाद में हमारे बेल के चेयरमैन साहब मुस्करा रहे हैं, वो जानते हैं कि उसके बाद में जो अंदर की टफनेस है ना, वही काम आती है, जिसको अंदर का दम बोलते हैं वही काम आता है। तो इंस्टीट्यूट मस्ट इनोवेट फॉर ब्रिंगिंग अ शिफ्ट फ्रॉम मेमोराइजिंग एंड गिविंग एग्जाम बेस्ड लर्निंग टू वर्क एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स शुड वर्क टुगेदर इन द प्रोजेक्ट्स विच विल स्ट्रेंथन द इनोवेशन एस्पेक्ट एंड मेक द प्रोजेक्ट्स टाइम बाउंड। जो अभी प्रोफेसर आहूजा ने बोला कि हम फैकल्टी वाले भी कई बार प्रॉमिस करते हैं रिपोर्ट दे देंगे और हम वह भूल जाते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपके साथ में हैं तो उनकी BTech MTech डिग्री भी उससे अटकी हुई है, PhD डिग्री भी अटकी हुई है, तो वो टाइमलाइन मेंटेन आपको करने के लिए फोर्स कर देंगे। इन्वॉल्वमेंट एंड इनोवेशन शुड बी गिवन ड्यू वेटेज इन ग्रेडिंग। देखो मैंने जो कोर्स रन किया था उसमें 70% वेटेज मैंने इन्वॉल्वमेंट की रख दी थी, चाहे किसी को बुरा लगा या अच्छा लगा, और 30% कर दी थी टेस्ट की। तो जो टेस्ट तो इसलिए था कि भाई याद भी रखना जरूरी है, लेकिन और इन्वॉल्वमेंट में मैंने एक आइडिया लगाया था, शायद प्रोफेसर आहूजा को भी पसंद आए, कि हमने क्या करा था, एवरी डे टू एवरी स्टूडेंट एवरी डे वी गेव देम 1 blank sheet। नाउ क्लास स्टार्टेड एट 5:15, एंडेड एट 7:15, तो आफ्टर एवरी 10-15 minutes आई विल से राइट दिस राइट दैट, कोई वर्ड बोला या किस चीज़ का आंसर बोला और उसको लिखना था, और वो इन्वॉल्वमेंट शीट हमने एवरी डे कलेक्ट करी, और 5 lectures के बाद 2 hours के वी टुक ए स्मॉल इन्वॉल्वमेंट इंटरव्यू ऑल्सो, कि भाई उसने खुद ही लिखा है और प्लस किसी किसी क्लास मिस हो गई तो उसके लिए, एंड गेव 70% मार्क्स बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ओनली एंड 30% मार्क्स ऑन द टेस्ट। तो मेरा मतलब क्या है कि मैं तो छोटा सा ही कोर्स रन किया 1 credit, आप लोग जो बड़े बड़े कोर्स रन कर रहे हो स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर लो, कल भी आप लोग करते भी हो पहली बात, तो कल भी मैं एक विजिट किया आपकी जो लेबोरेटरी क्वांटम वाली, ISRO दैट इवन BTech स्टूडेंट वॉज वर्किंग देयर रात को 6-7 बजे, सो इट इज़ वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग मैनी अदर थिंग्स, मैं बस अपनी तरफ से आइडिया दे रहा हूँ, जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो वो करते जाओ। तो इन्वॉल्वमेंट इनोवेशन शुड बी गिवन ड्यू वेटेज इन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग कैसे करनी है प्रोफेसर साहब, आप लोग देखो कैसे करनी है, लेकिन दो उसको ग्रेडिंग, खाली मेमोराइज करके एग्जाम लिखने से काम नहीं चलने वाला है। स्टूडेंट शुड नॉट बी वरिंग अबाउट पासिंग एन एग्जाम, रादर दे शुड बी मोर कीन अबाउट कंट्रीब्यूटिंग इन अ प्रोजेक्ट और डेवलपिंग अ सिस्टम। देयर प्रोजेक्ट वर्क शुड बी शोकेस ड्यूरिंग द प्लेसमेंट प्रोसेस। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, प्लेसमेंट के टाइम पे
आप जो है जो उनके प्रोजेक्ट गाइड हैं वो कहीं ना कहीं वो भी इंडस्ट्री को बताएं कि हमारे बच्चे ने ये प्रोजेक्ट किया है। तो प्लेसमेंट प्रोजेक्ट, जिससे कि अगर उसके ग्रेड कम भी हैं तो उसको उसको डिसएडवांटेज ना मिले, वो प्रोजेक्ट के बेस पे कवर अप कर ले। आई कॉल अपॉन फैकल्टी टू थिंक बिग एंड लीड द वर्ल्ड। ये रैंकिंग वैंकिंग भूल जाओ, 30-31 इससे कुछ नहीं होता है। जो जिसका दम है वो उसका दम होता है। आप मान लो कि आप नंबर वन हो तो नंबर वन हो, ठीक है, रैंकिंग करने वाले रैंकिंग करते रहेंगे, हमें उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। आई कॉल अपॉन फैकल्टी टू थिंक बिग एंड लीड द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स टू स्केल हाइट्स एंड बी नोन फॉर देयर कैपेबिलिटी, एंड मैनेजमेंट टू एम्पावर एंड मोटिवेट द आईआईटी मंडी कम्युनिटी फॉर अचीविंग व्हाट हैज नेवर बीन अचीव्ड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ रियली पॉसिबल फॉर आईआईटी मंडी, बिकॉज पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो सबसे ऊँचा है। आप पहले ही ऊँचे हो सी लेवल से, ठीक है, कोई पूछे कहाँ से करा, बोला आईआईटी मंडी से, जो कि पहली इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊँचे इंस्टीट्यूट पे हो, ठीक है, तो नंबर वन तो वैसे ही हो। और आप सब ग्रेजुएट्स जब जाके बढ़िया काम करोगे इंडस्ट्री में, फुल एनर्जी के साथ काम करोगे, तो इंस्टीट्यूट की हाइट अपने आप ही बन जाएगी। एक आपको और सीक्रेट बताता हूँ, मेरे पहले डायरेक्टर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम थे, DRDL हैदराबाद में उन्होंने ज्वाइन किया था, और जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट थी, डायरेक्टर ऑफ एडवांस कंपोजिट्स, उसके डायरेक्टर, मतलब एक लैब में कई सारी डायरेक्टरेट होती हैं और उस लैब और डायरेक्टरेट का भी डायरेक्टर होता है, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो के राम राव थे। के राम राव और अब्दुल कलाम क्लास फेलोज थे, और आपको शायद पता नहीं होगा, अब्दुल कलाम के क्लास में मीडियम लेवल के मार्क्स थे और के राम राव टॉपर थे, ठीक है, आप लोग के राम राव को जानते भी नहीं होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि जो एनर्जी है आपके अंदर, जो अब्दुल कलाम साहब एकेडमिक्स में अपनी क्लास में मीडियम पे थे, और उनकी जो लेकिन एनर्जी थी, एंथुजियाज्म था, जो ऑनेस्टी थी, जो उनके अंदर एक, मैं जो वर्ड बोला ना, स्पिरिचुअलिटी बैक मैनेजमेंट, वो अगर आप ये देखोगे कि कुछ लोग बहुत महान लीडर कैसे बन जाते हैं, जैसे मान लो महेंद्र सिंह धोनी है, डॉक्टर अब्दुल कलाम है, अपने कपिल देव थे, देखो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कुछ ना कुछ दिल जो है उनका साफ होता है, और उनके दिल में कंपैशन भी होता है, उस कंपैशन की वजह से ना लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो अब्दुल कलाम साहब को ना ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मतलब बस उन्होंने अगर एक शब्द निकाला तो सारे लोग करते चले जाएंगे। और उनके साथ एक और खासियत थी, कोई कोई ही मैनेजर और लीडर ऐसा होता है जिसको चारों सारे कैटेगरीज़ के लोग, मतलब पियोन से लेके और टॉप साइंटिस्ट तक, सारे ही लोग बहुत लाइक करते हो। ये क्वालिटी उनमें थी, वो सबको आप सब कुछ तो नहीं दे सकते, वो आता है अपने अंदर का दिल साफ होने से, जब आप सबके लिए अच्छे दिल से काम करते हो तो वो उस चीज़ से आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, दैट्स ऑल आई वांट टेल यू। एंड इफ आई हैव, डू हैव 3-4 मोर मिनट्स, कैन आई टेक? यस प्लीज। तो 2-3 मिनट और मिल रहे हैं, तो आपको जाते हुए कुछ गिफ्ट, जो बाई फिजिकल तो नहीं दे रहा हूँ, एक दो लेसन देता हूँ। तो एक तो जो हैप्पी फॉरएवर वाला लेसन ये है कि चार एरियाज में हैप्पीनेस लो, मतलब सेटिस्फेक्शन, जो काम कर रहे हो उसे ढंग से करो। सेटिस्फेक्शन इन लाइफ इज़ वन एरिया एज पर साइकोलॉजी। पॉजिटिव इमोशन, मतलब सिंगिंग, डांसिंग, मौज मस्ती, दैट इज सेकेंड एरिया। थर्ड एरिया इज़ योर वर्चूज, डेवलप गुड वर्चूज, एंड फोर्थ एरिया इज़ द ब्लिस कंपोनेंट। तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। दूसरा, जहाँ भी जाओगे ना, आपको कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे ये ख़राब है, यहाँ पे वो ख़राब है, चाहे वो सिटी हो, चाहे दूसरा कंट्री हो, चाहे आपकी कंपनी हो, बट यू विल सी दैट देर विल बी लॉट ऑफ गुडनेस ऑल्सो अराउंड। सो टेक इट फ्रॉम मी दैट जस्ट फोकस ऑन द गुडनेस, और जो चीज़ ख़राब है उसकी जब तक उनको देखने की ज़रूरत न पड़े तब तक उस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, अनलेस इट इज़ नेसेसरी। सो फोकस मोर ऑन द गुडनेस अराउंड, फोकस मोर ऑन द गुडनेस इन द पीपल ऑफ योर टीम, इट विल हेल्प यू अलॉट। और एक लेसन और, जिसको सुन के सब लेडीज़ खुश भी हो जाएंगी, और वो लेसन लेकिन बॉयज़ के लिए, ठीक है, तो उस लेसन का टाइटल है, देखो जब हम एड्रेस करते हैं हिंदी में तो हम क्या बोलते हैं, देवी और सज्जनों, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूँ महिलाओं और देवताओं, आप लोग हंसने लगोगे मेरे ऊपर, महिलाओं देवताओं चलते हैं, नहीं चलते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर के हिसाब से जो लेडीज़ हैं वो देवी लेवल तक, गॉडेस लेवल तक जाती हैं, और जो हम जैसे मैन हैं वो एट द मोस्ट बहुत अच्छे हुए तो सज्जन बन सकते हैं, मतलब हम क्या है कि जेंटलमैन से ऊपर नहीं बन सकते, हम देवता नहीं बनते। तो भाई अपने लाइफ में जो भी लेडीज़ हैं, मतलब आपकी मदर, सिस्टर, कलीग्स, बॉस, ऊपर नीचे, पड़ोस में, सबकी एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट करो, देखना बहुत फ़ायदा होगा।
ठीक है, मतलब बहुत सारी हैप्पीनेस इसी बात से होती है। और जो जिससे मैरिज करोगे उसकी तो रिस्पेक्ट करनी करनी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर बोलोगे कि मैं क्या करूँ। तो ये है, और जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनको लिए मैं थोड़ा सा अपने जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक थोड़ा सा मॉर्निंग में एक हम वो भी रन करते हैं, प्राणायाम का एक ग्रुप है हमारा। तो मैं 4 पिलर्स का लेसन बताता हूँ उनको, जो लोग 50-55 क्रॉस कर गए। तो एक है कोई एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, टीटी, जो भी आपको सूट करे, जो सूट करे। दूसरी है प्राणायाम, तीसरी है डाइट के कम से कम टाइमिंग फिक्स करना और क्वांटिटी फिक्स करना, और चौथी है मेडिटेशन करना। 4 पिलर्स फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि आपके बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत बढ़िया जॉब लेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि अब जो है हम उनके सहारे ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर आज तक सोचे रहना कि हम माँ बाप हैं, अभी भी हम इनको सहारा देंगे तो हमेशा फिट बने रहोगे। ओके, विद दैट आई एंड माई टॉक एंड थैंक यू वेरी मच।